तो आजकल ना जैसे सनसेट हो रहा है उसके तुरंत बाद ना रात पड़ रही है, और हम लोग अभी ना दीदी लोगों की छानी में है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे आग जला रखी है। क्या इसी काम के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी डिग्रियां ली थी क्या? घास भी छोया ने त्यारा लप लो पे वे जांदी कब काटेले घास। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नई दिन नई शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से और सोड़ गांव से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे घास लेने के लिए, और मेरे पीछे आप लोग मतलब इस साइड देख रहे होंगे इतना सारा घास है ना यहाँ पे। तो दीदी ने ना किसी से मतलब बाड़ा जो उधार ले रखा होगा घास के लिए। तो अभी ना हम लोग ना पहले ऊपर गए और हमें ना बाड़े का पता नहीं था, तो यहाँ पे ना नीचे जिनका बाड़ा है लता वो भी आ रखी है हमारे साथ। चल इसको पकड़, साची या कुमार था ना? सिरोग से मना करी। तो लिटरली यहाँ पे ना इतना सारा घास है ना, इतना घास हम लोगों के मतलब गांव में होता तो लोग पता नहीं कितनी गाय और कितनी भैंस पाल लेते। तो यहाँ पे ना हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी घास काटना। देखो जाना भी नहीं, मना करती मान। चलो तो चलो तो यहाँ पे ना इतना ज्यादा घास है कि हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कौन सा घास लेके जाना है, क्योंकि भैंस ना जो दीदी लोगों की भैंस है ना तो ये वाला घास तो खाती नहीं है। तो जी चलते हैं, और यहाँ देखो लता भी जा रही है और साथ ही साथ में ना साक्षी भी लगी हुई है आगे रास्ते। कुछ नहीं भाई, हम आज हम लोग फिर से एडवेंचर हो गया है ऐसा के बाबा। यहाँ देखो मतलब घास के अंदर ना पता ही नहीं चल पा रहे पाँव कहाँ पे रख ले। चलो 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 अरे यार मतलब जिसका बाड़ है ना वो खुद ही गिर रही है यहाँ पे बाबा। देख पता नहीं लागू है। तो यहाँ पे ना कुमार भी बहुत ज्यादा है। बुल्ला बुल्ला क्या बोलते बुल्ला क्या बोलते सारे बुल्ला। तो सौर गांव में ना कुमार को बुल्ला बोलते पर बुल्ला नहीं तो अरे यार ये लता ने तो यहाँ पे फाल मार दी अब बारी मेरी है, मैं तो मारूंगी नहीं भाई कहीं अन्ना हो के। तो अभी ना हम लोग लता लोगों के बाड़े में गए थे, बट वहाँ पे हम लोगों को ना वो वाला घास अच्छा नहीं लगा क्योंकि ना वो भैंस के लिए सही नहीं होता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के बाड़े में, और यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे ये वाला घास। ये वाला घास ना भैंस के लिए अच्छा होता है। तो लता वहीं पे रुकना है, लता लता से मिलवाती हूँ मैं आपको जरा मम्मी। कोई बात नहीं, यहाँ देखो। तो हेलो गाइस, तो यहाँ पे ना लता है, तो मतलब बहुत अच्छी लड़की है, सोड़ गांव की सबसे फेमस लड़की है साक्षी सरोजनी साक्षी जी की। इसके लिए लड़का ढूंढो यार सच में। अगर किसी अगर किसी को अच्छा लगा तो मेरे पास लता बोल रही है अभी मैं बल किसी को पसंद हूँ तो बल मेरे पास बल खबर आनी चाहिए। तो आप लोग ना जरूर कमेंट करना लता के लिए, हम ना लड़का ढूंढ रहे हैं यार। आईडी का नाम क्या है? भी लता पवार
अच्छा लाता गीत यू कान चेक बैठने कर दे जा बैठने तो बढ़िया लाना भाई या बैठ चलो काके ये कर है हां ये के बैठने जा बरन तो ठीक है। तो चलो जी अभी ना हम लोग उस वाली जगह में भी पहुंच चुके हैं जहां से हम लोगों ने ना अभी घास भी लेना है। तो ना हम लोगों की घसियारी भी यहां पे घास काटने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। यहां देखो आज आ रखी है हमारे साथ छोटी छोटी घसियारी, छोटी नहीं है लता तो बड़ी है पर आर लता कितने साल की है? 22। हाँ और साक्षी है अभी 15 या 16 ईयर्स। तो अभी ना यहाँ पे लग चुके हैं और यहाँ पे ना छोटे छोटे बांझ के पेड़ भी हैं। काटो काटो वेरी गुड बहुत अच्छे लग रहे हो। साफ काट भाई साफ काट भाई दबड़े ना बाबा ताबे तो ध्यान लो कौन उन्होंने हाँ पसंद है जो उन्होंने। तो यहाँ पे ना हम लोगों की आवाज कम ही आ रही होगी मुझे तो लग रहा है ये चिड़िया ची 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 कर रही है। तो सोड़ गांव में ना ये चिड़िया बहुत रहती है, नेटवर्क कम रहता है यहाँ पे। तो अभी ना हम ये रहा नीचे गांव, ये तो मतलब आधा गांव इस साइड को और हम लोग ना उस साइड से आए हैं इस साइड। तो जी अभी ना मैं भी इस साइड को आ चुकी हूँ और यहाँ पे करते हैं अभी घास का कटान। कैसे सगान कहते फूल सी को होली घसियारी पीता पड़ो मारा बोल गए मैं गाना घास बिछोया ने त्यारा लपलो पेवे जांदी कब कटेले घसेरी इने गो गो मरेंद यन सु गाणो कोई लता आवाज तो ठीक है। लता बोल क्यों नहीं रही हमको। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ मेरे को लग गई भूख और ये जाएंगे भैंस के पास और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक बस धन्यवाद। तो चलो जी अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना घास वगैरह भी काट लिए है और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो भारी है ना वो भी लगा दी है। तो अभी ना सुबह के बज चुके हैं 10:30 और हम लोग ना घास काटने के बाद यहाँ पे बैठे हुए थे वैसे ही मतलब बातें कर रहे थे लता के साथ। तो बहुत टाइम बाद मिली लता मुझे लगभग हमने वीडियो बना ली एक दो हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना ली। अब आप लोग जरूर देखना। लता बोलेगी कुछ कुछ नहीं साक्षी की मम्मी जा रही है ऋषिकेश कान को दिखाने के लिए आएगी 2-3 दिन में और इस साक्षी आज स्कूल नहीं गई इसकी मौसी आ रखी है ये अपने मौसी से भयंकर ज्यादा प्यार करती है इसके इसके मौसी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर। घर में तो मैं माल निकालती नहीं हूँ अरे यहाँ देखो मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। साक्षी को बोला मैंने गोबर निकालने के लिए यहाँ देखो क्या इसी काम के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी इतनी डिग्रियां ली थी क्या है साक्षी बता दो बस जरा ये भैया क्या करे गोबर निकालो कोई बात नहीं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है मेरे हिसाब से जब घर में है तो करना तो पड़ेगा है ना करना पड़ेगा कि नहीं। तो यह है भैंस का मुआ आज जिंदगी में पहली बार उठा रही हूँ मैं। तो अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं गांव से थोड़ा बहुत आगे और यहां से जो सोड़ गांव दिखाई दे रहा है आधा सोड़ गांव इस साइड दिखाई दे रहा है बड़ा ही प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ में ना यहां से नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं। तो एक जोंदड़ा हो गया साथ ही साथ में यहाँ पे कुठार वाला गांव और सामने जो पहाड़ी पे ढका हुआ एक गांव दिखाई दे रहा है तो वो दोणी हो गया। और
अभी ना हम लोग आए थे भैंस की ढूंढ में, तो भैंस तो अभी दूर है, और जो ना दीदी के गांव की लेडीज है ना वो साहिल लेने गई है, तो हम लोगों ने सोचा तब तक यहीं पे बैठे रहते हैं जब तक भैंस वगैरह आ जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे गांव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर नागराजा मंदिर है ना, इस साइड भगवान नागराजा देवता का मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक शानदार मंदिर। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अखरोट खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखो छोटे पिनाली का बच्चा पिनाली बच्चे थे ना है, ये उसकी मम्मी है और उसका दादा दिखा, दादा स्वर्गवास है, दादा स्वर्गवास है, उसके पापा वहां से। ओले अक्टूबर में ना, तो अक्टूबर में अक्टूबर नवंबर में। तो आजकल ना जैसे सनसेट हो रहा है उसके तुरंत बाद ना रात पड़ रही है, और हम लोग अभी ना दीदी लोगों की छानी में है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे आग जला रखी है, तो इस पे ना थोड़ा सा तेल गरम कर रही है साक्षी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे भैंस है ना तो उसके पाँव में पता नहीं क्या हो गया यार, तो दर्द होगी है, मतलब बहुत ही गंदा लग रहा है यार, क्योंकि मतलब हम लोग तो ऐसे हैं, इंसान तो ऐसे बोल भी ले कि यहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो जानवर तो कहाँ ही बोलेगा। तो उसने पूरे रास्ते भर ना वो आराम आराम से आ रहा था, मतलब इतना अजीब लग रहा था ना इसको देख के एक साथ। तो अभी ना हम लोग ना तेल डाल रहे उसके पाँव में, क्या पता तेल से थोड़ा बहुत सही हो जाए, क्योंकि दीदी ना तेल डालती है। तो अभी चलो जी पहले ना भैंस के घास वगैरह जो भी डालना होता है वो कर लेते हैं, उस